कांग्रेस यूपीए सरकार ने इसका मुद्दा उठाया, तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पास भी किया। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दलों के कारण लोकसभा में वह पास नहीं हो पाया, लेकिन आज जैसे कि हमारे यहाँ शोभा जी और हमारी बहनों ने कहा, आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस महिला आरक्षण के अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगी और इस एनडीए सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे कि वह जल्दी से जल्दी ही इस विधेयक को पारित करें।